थे कि जो बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इस तरह के फैसले जो होते हैं वो कितना दूरगामी असर छोड़ते हैं वो हमने इस विधानसभा चुनाव में देखा। बढ़ते आगे, तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 98.61 रुपए प्रति लीटर हो गया है, डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113.35 रुपए और डीजल की कीमत 97.55 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह कोलकाता में और कोलकाता चेन्नई में भी तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव के चलते केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को कीमत बढ़ाने से रोक रखा था। चुनाव परिणामों के बाद तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $112 प्रति बैरल पहुंचने के बाद तेल कंपनियों ने डीजल के थोक खरीदारों के लिए मूल्य में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। साथ ही तेल डीलरों का कहना है कि खुदरा मूल्य में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं बढ़ती कीमतों के चलते आम जनता प्रभावित हो रही है। तो दिल्ली से हमारे ब्यूरो राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बढ़ती तेल की कीमतों के पीछे वजह क्या है। राजा, आपसे जानना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आप पूरी टर्मिनोलॉजी आप बताएं कि किस तरीके से आरोप यह भी लग रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार चुनाव की वजह से उसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोक के रखा था, लेकिन चुनाव के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, कितनी सच्चाई इस बात में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत की जो होती है पेट्रोल और डीजल की वो कितनी रिफ्लेक्ट करती है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का जो मामला चल रहा है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें हैं उनमें भारी गिरावट भारी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो तेल की कीमतें हैं वो केंद्र सरकार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कल नितिन गडकरी का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया अपने बयान में कि यूक्रेन रूस में जिस तरीके से विवाद पिछले एक महीने से चल रहा है उसकी वजह से जो तेल है तेल की पीछे सप्लाई काफी ज्यादा महंगी हो गई है, उसी कारण बस भारत सरकार इस तेल के जो रेट हैं वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी की कैबिनेट की मीटिंग है जिसके अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। कयास ये लगा जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेटों को लेकर केंद्र सरकार थोड़ी राहत जरूर लोगों को दे सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी कैबिनेट की मीटिंग के बाद किस तरीके का रिएक्शन बीजेपी के नेताओं का रहने वाला है। जी राजा, एक और अहम बात, इसमें विपक्ष के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। आरोप जिस तरह से लग रहे हैं कि ये सब इसलिए रोक रखा था पेट्रोल कंपनियों ने, हालांकि तय पेट्रोल कंपनियां तेल की रेट तय करती हैं, अब चुनाव के दौरान हमने देखा कि तेल के दाम नहीं बढ़े थे, विपक्ष के इन आरोपों को किस तरह से आप देखते हैं? अब बिल्कुल, देखिए सिर्फ विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष पूरी तरीके से, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, लगातार विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष साफ तौर पर यही आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार पिछले 5 महीने से जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव थे, जब तेल के जो रेट है वो नहीं बढ़ाए गए, उसके बाद तुरंत यानी कि जिस तरीके से इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही लगातार जो रेटों में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है। और आज भी हम बात करें अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से किया गया है, तो सरकार से वो गुहार कर रहे हैं, सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि सरकार जो बढ़े हुए रेट है उनको वापिस ले। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले जानकारी दी कि अब से कुछ देर बाद पीएमओ की तरफ से मीटिंग है, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मीटिंग में शामिल होंगे, तो जानकारी है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उन सभी मुद्दों को लेकर पीएम मोदी अपने अपने मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मीटिंग के बाद किस तरीके का नतीजा निकलकर सामने आता है। ठीक है राजा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो दिल्ली और मुंबई की बात की जाए तो